अस्सलाम वालेकुम लेडीज़, पर्सनल हाइजीन है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। पर्सनल हाइजीन से मुराद कुछ ऐसे सफाई के असूल है जिन पर अमल करके इंसान तंदुरुस्त रहता है। पर्सनल हाइजीन अपने जिस्म की सफाई और हिफाजत और एहतियात को कहते हैं। लोगों की घरेलू जिंदगी और काम करने की जगह पर पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कम्युनिटी के जितने लोग ज़्यादा गंदे होंगे उतनी ही ज़्यादा कराहत और बीमारियाँ होंगी। जो लोग पर्सनल हाइजीन पर तवज्जो देते हैं वो जर्म्स डिसीज से बच सकते हैं और वो अपने ऊपर केमिकल और आलूदगी के असरात को भी कम कर सकते हैं। इस तरह वो जिल्द की एलर्जी, जिल्द की दूसरी बीमारियों और केमिकल से भी बच सकते हैं। पर्सनल हाइजीन में जिस्मानी सफाई, साफ सुथरी खुराक, अच्छी रिहाइश, अच्छी आदत, वर्जिश, जिस्म को केमिकल से बचाना, आराम सुकून और दांतों की सफाई शामिल है। सबसे पहले हम कुछ जनरल गुड हैबिट्स यानी आम अच्छी आदत देख लेते हैं। तो चलिए देखें ये कौन कौन सी होती हैं। सुबह जल्दी उठना, वर्जिश करना, सुबह रोज़ाना नहाना, मसवाक करना, रोज़ाना का काम रोज़ाना पर वक्त करना, अपने वालिदैन के हकूक पूरे करना, सुबह रोज़ाना सैर करना, नमाज पढ़ना, वक्त पर नमाज पढ़ना, काम ड्यूटी पर पहुंचना, अपने घर की चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, अपनी फैमिली, बीवी, बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करना, मौसम के मुताबिक कपड़े पहनना, फजूल खर्ची से बचना, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए मेहनत करना, घर और काम की जगह को साफ़ सुथरा रखना, नशा आवर अशिया का इस्तेमाल ना करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अपने अजीज़ों अकारिब से मोहब्बत से मिलना, सुबह के नाश्ते से पहले और रात को खाने के बाद दांत साफ़ करना, अच्छी तरह चबा कर खाना खाना, खाने में सब्जियाँ और सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करना, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, घर में ताज़ा तैयार हुआ व सलाद खाना, रोज़ाना वक्त पर बना हुआ ताज़ा और गरम गरम खाना खाना, सिगरेट, हुक्का, नस्वार वगैरह का इस्तेमाल ना करना, बुरी और फजूल आदतों से कोलेस्ट्रॉल और फेफड़ों के अमराज हो सकते हैं। नींद जिस्मानी और दिमागी थकन को दूर करने में मौसर साबित होती है, तो इसलिए प्रॉपर नींद लेना। अब हम बात करते हैं जिस्मानी सफाई की। अच्छी सेहत के लिए जिस्मानी सफाई बहुत ज़रूरी है जो कि फॉलोइंग स्टेप्स पे बेस करती है। जिल्द की सफाई, बालों की सफाई, नाखनों की सफाई, कपड़ों की सफाई और बिस्तर की सफाई। इंसानी सेहत के लिए जिल्द का साफ होना बहुत ज़रूरी है। पसीने की सूरत में जिल्द पर डिफरेंट बैक्टीरिया आ जाते हैं, डिफरेंट जर्म्स आ जाते हैं, तो आपको अपना मुंह बार बार धोना चाहिए। जिल्द पर पसीना खारिज करने वाले स्वेट ग्लैंड्स और चिकनाई वाले सेबक्यूस ग्लैंड्स होते हैं। इन स्वेट ग्लैंड्स की वजह से केमिकल्स और पसीना खारिज होता है और सेबक्यूस ग्लैंड्स की वजह से चिकनाई खारिज होती है जो कि जिल्द को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर आपका ये खराज रुक जाए तो इस सूरत में आपकी जिल्द पर दाने निकल आते हैं। गंदी जिल्द पर पसीना और मैल के जमने से बदबू आने लगती है। गंदी जिल्द से जिस्म पर खारिश और खुजली होने लगती है और लिबास से भी बदबू आती है। गंदे बालों से बालों में जुएँ, खारिश और बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। गंदे और बड़े नाखनों से टाइफाइड, पेट के कीड़े जैसी बीमारियाँ लग जाती हैं। रोज़ाना ताज़ा पानी से गुसल किया जाए। ताज़ा पानी से नहाने से जिस्म तरोताज़ा हो जाता है और सुकून भी मिलता है। हसीयत मुसलमान गुसल करने से जिस्म पाक हो जाता है और साफ भी हो जाता है और करीबी लोग कराहत भी महसूस नहीं करते। गर्म मौसम में दिन में 3-4 बार नहाने से लो यानी कि हीट स्ट्रोक नहीं होता। गर्म पानी के गुसल से थकावट दूर हो जाती है। गर्मियों के मौसम में मेहनत मशक्कत काम काज के बाद रात को नहाकर सोने से सुकून मिलता है। लिबास जिस्म की पर्दापोशी और ज़बाइश के साथ साथ आरामदेह, साफ सुथरे और मौसम के लिहाज से पहने हुए लिबास का इंतखाब करना चाहिए। सर्दियों के मौसम और सर्द इलाकों में गर्म लिबास के साथ साथ चादर, जैकेट, जर्सी और टोपी का इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे बच्चों, ज़ईफों और मरीजों को सर्दी से बचाने के लिए सर, सीना और पेट को सर्दी से बचाना चाहिए। गर्मियों के मौसम में हवादार और बारीक लिबास पहनना चाहिए। कॉटन के कपड़े भी बेहतर हैं। सोते वक्त इनका लिबास उतार कर रात वाले नरम दे कपड़े पहनने चाहिए। दूसरे आदमी का इस्तेमाल शुदा लिबास और तौलिया इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे छूत की बीमारी लगती है। मौसम और ज़रूरत के मुताबिक बच्चों, बूढ़ों और मरीजों के लिबास का खास ख्याल रखें। सर के बालों को रोज़ाना हफ्ते में 2-3 बार धोकर ज़रूर साफ़ करें। जिस्म से इजाफी बालों को उतार कर हर हफ्ते साफ कर देना चाहिए। मर्दों के लिए सर और मूछों के छोटे छोटे बाल मुनासिब हैं। सर पर सरसों का तेल वगैरह ज़रूर लगाया जाए ताकि नरम और चमकदार रहें और खुश्की भी दूर हो जाए। अब हम बात करते हैं हाथों की अमूमी सफाई यानी जनरल हैंड वॉशिंग की। कुछ जरासीम हाथों पर 3 घंटों तक रह सकते हैं। हाथों के खुराक, फूड या दूसरे अफराद को लगने से जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए हर काम के दौरान पहले और बाद में भी हाथों को धोना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ हाथों को कब कब धोना ज़रूरी है। काम करने से पहले,
काम के दौरान और काम करने के बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर वर्क यानी काम करने से पहले धोना। खाना तैयार करने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए। मरीज के लिबास को तब्दील करने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए। छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल से पहले आपको हाथ धोने चाहिए। मरीज की देखभाल से पहले आपको हाथ धोने चाहिए। पट्टी तब्दील करने और दवाई देने से पहले आपको हाथ धोने चाहिए। आंखों के लेंस लगाने से पहले भी आपको हाथ धोने चाहिए। ड्यूरिंग और बिटवीन वर्क यानी काम के दौरान हाथ धोना। बार बार कच्ची खुराक, गोश्त, मछली, अंडे, पोल्ट्री वगैरह की चीज़ों को हाथ लगाने के दौरान आपको बार बार हाथ धोने चाहिए। बावर्ची खाने की अशिया, छुरियाँ और चम्मच वगैरह को बार बार हाथ लगाने के दौरान भी आपको हाथ धोने चाहिए। आफ्टर वर्क यानी काम करने के बाद हाथ धोना। मरीज को हाथ लगाने, पेशाब पखाने, कैक को छूने के बाद हाथ धोने चाहिए। इंसान के पोशीदा अज़ा को छूने के बाद हाथ धोने चाहिए। हर दफ़ा आम खाने पीने के बाद हाथ धोने चाहिए। मिट्टी की अशिया और मिट्टी के बर्तन को हाथ लगाने के बाद हाथ धोने चाहिए। कूड़े क्रिकेट की अशिया और बर्तन को हाथ लगाने के बाद हाथ धोने चाहिए। इसके जख्म, खून, मवाद, सिक्रेशन, रतूबत को हाथ लगाने के बाद हाथ धोने चाहिए। कच्चा गोश्त, मछली, अंडे, पोल्ट्री को पकड़ने के बाद हाथ धोने चाहिए। टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोने चाहिए। जानवरों की देखभाल के बाद हाथ धोने चाहिए। बीमार की देखभाल के बाद हाथ धोने चाहिए। खांसने और छींकने के बाद हाथ धोने चाहिए। गली सड़ी सब्जियां, फल, अनाज को हाथ लगाने के बाद हाथ धोने चाहिए। छूत के अमराज के मरीज को हाथ लगाने के बाद हाथ धोने चाहिए। छूत वगैरह के मरीज के सामान को हाथ लगाने के बाद भी आपको हाथ धोने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाथों को धोने का सही तरीका यानी प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक्स। हाथों को धोने के सही तरीकों के 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1, हाथों को जमीन से ताज़ा निकलते हुए पानी, उबले हुए और नीम गर्म और साबुन से धोना बेहतर है। हाथों को साफ सुथरे नीम गर्म पानी से धोना बेहतर है। हाथों को 20-30 सेकंड के लिए खूब मलकर धोना बेहतर है। हाथों की पुश्त यानी बैक, कलाइयों, उंगलियों की दरमियानी जगह और नाखूनों के अंदर की जगह को भी धोकर साफ करना चाहिए। स्टेप नंबर 2, ताज़ा और साफ सुथरे पानी से हाथों को धोना चाहिए। स्टेप नंबर 3, जरासीम से पाक, साफ सुथरे या डिस्पोजेबल तौलिए से हाथों को खुश कर लेना चाहिए। साफ हाथों से टूटी को बंद नहीं करना चाहिए। आम इस्तेमाल के लिए तौलिए से हाथ साफ नहीं करने चाहिए। स्टेप नंबर 4, हाथों को धोने के बाद साफ सुथरे कपड़े से ढांप लेना चाहिए। साफ सुथरे टिश्यू पेपर या तौलिए की मदद से टूटी को बंद करना चाहिए। अब मैं आपके साथ कुछ और पर्सनल हाइजीन के पॉइंट्स शेयर करूंगी। दांतों और मुंह को साफ रखा जाए। रात को सोने से पहले मसवाक की जाए। जिस्म के मवाद, खून, पेशाब, पखाने, कैक को ना छुआ जाए। जिस्म के जख्मों, बर्न्स, कट, इंजरीज, वॉन्ड्स को ढांप कर रखना चाहिए। खास तौर पर हाथों और बाजों के जख्मों पर फौरी पर वक्त तवज्जो दी जाए। बाकायदा पर वक्त पट्टी करवानी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज एक्सरसाइज। वर्जिश भी आपके जिस्म की एक तरह की सफाई है। इससे आपके खून की गर्दिश होती है और आपकी बॉडी बेहतरीन कारकर्दगी करती है। एक्सरसाइज करने से सांस तेजी से आना शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, तमाम जिस्म और दिमाग को फिर से ऑक्सीजन मुहैया होती है, पेशाब भी खुलकर आता है, पखाना बिल्कुल दुरुस्त आने लगता है। पसीना, पेशाब और पखाना आने से जिस्म के हार्मफुल केमिकल्स जल्दी जल्दी खारिज हो जाते हैं। मेहनत और मशक्कत करने वाले फारिग लोगों की नस्बत ज्यादा कम बीमार होते हैं। अगर किसी भी वजह से जिस्मानी कारकर्दगी में कमी आ जाए तो वर्जिश को लगातार अपनी आदत बनाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ अपने सजेशन शेयर कीजिए। हमारे साथ अपना प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अपनी केस स्टडी अगर आप करना चाहती हैं शेयर तो लाजमी कीजिए। चैनल पर डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मौजूद हैं, वो भी आप लाजमी देखें। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।